तो जो ये वन प्लस है वो हर साल इंडियन मार्केट में दो फोन लॉन्च करती है। पर दोस्तों इस साल वन प्लस कुछ डिफरेंट करना चाहती है। ये वन प्लस एक और फोन लॉन्च करने वाली है। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये फोन कौन सा होने वाला है, तो दोस्तों इसका नाम है वन प्लस 7 प्रो। दोस्तों वन प्लस की तरफ से हमें प्रीमियम फोन देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस, रिलीज डेट और भी बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों अगर आपको ये सब चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो में कम्प्लीटली बने रहिए। और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ठोक दीजिए लाइक के बटन को। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा ये वन प्लस की तरफ से प्रीमियम फ़ोन है, तो दोस्तों डिज़ाइन भी इसका एकदम प्रीमियम है, क्योंकि दोस्तों वन प्लस ने इसमें पॉपअप कैमरा सेटअप अपनाया है, यानी कि इसमें आपको पॉपअप कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा ही रिसेंटली हमें वीवो V15 Pro और सैमसंग A90 में देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैमरा है और 2019 का ट्रेंड भी है। दोस्तों पॉपअप कैमरा है तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि भैया जो इसमें हमें डिस्प्ले मिलने वाली है वो फुल व्यू डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। और दोस्तों बैक साइड में आपको क्लियर मिलेंगे, और जैसे आपको 3 कैमरा सेटअप आपको बैक साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। और वन प्लस की ब्रांडिंग और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। अब दोस्तों वन प्लस ने कंफर्म नहीं किया है कि इसमें पॉलीकार्बन की बॉडी मिलेगी या फिर ग्लास फिनिश मिलेगी। दोस्तों मुझे लगता है इसमें ग्लास फिनिश ही देना चाहिए वन प्लस को, अपने कस्टमर का वो वन प्लस बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो हमें भैया लॉन्च होने के बाद ही इस फोन के बारे में और पता पड़ेगा। तो दोस्तों अगर बात करें कैमरे की, तो दोस्तों कैमरा एकदम प्रीमियम लगता है क्योंकि इसमें ऑप्टिकल जूम टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ऑप्टिकल जूम टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें आपको नॉर्मल फोन से 10 गुना ज़्यादा तक इसमें आप जूम कर सकते हो, यानी कि 10x जूम आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। साथ आपको बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, और दोस्तों आप फ्रंट में आपको एक कैमरा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि पॉपअप कैमरा है। और दोस्तों आपको एक ही कैमरा फ्रंट पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें कैमरे की, तो दोस्तों रियल कैमरा इसमें आपको 48+60+8 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरे देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आप अलग अलग मोड ले सकते हो 3 कैमरे की मदद से। तो दोस्तों फ्रंट कैमरा भी इसमें वन प्लस ने एकदम मस्त दिया गया है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका पिक्चर क्वालिटी भी एकदम फाडू है। तो दोस्तों आप कैमरे के मामले में तो ये फ़ोन एकदम राजा है, तो इसलिए आप कैमरे के बारे में तो भैया एकदम ये मुझे मस्त लगा। अभी तक मैंने इस फ़ोन के आपको कैमरा और डिज़ाइन के बारे में बता दिया है। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो यार लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं बढ़ते अपने परफॉर्मेंस की ओर। तो वन प्लस के इस 7 प्रो की भैया परफॉर्मेंस भी एकदम कमाल की होने वाली है, क्योंकि वन प्लस में इसमें यूज़ किया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855, जो एकदम क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर है, और इससे बड़ा क्वालकॉम में अभी तक प्रोसेसर नहीं है। तो इसलिए शायद ये 5G भी सपोर्ट होगा, बट ये कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों आने के बाद ये 5G के बारे में तो पता चलेगा। तो अगर बात करें GPU यानी ग्राफिक्स की, तो दोस्तों ग्राफिक्स भी इसमें आपको एड्रीनो 614 की आपको इसमें ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आपको गेमिंग में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर बात करें स्टोरेज की, तो दोस्तों स्टोरेज भी अभी कमाल की होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 8GB की रैम देखने के लिए मिल जाएगी। हो सकता है इसमें आपको वन प्लस में 2 वेरियंट देखने के लिए मिल जाएं, एक 12GB का, एक 8GB का, वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। दोस्तों 8GB वाले वेरियंट की बात करें इंटरनल स्टोरेज की, तो दोस्तों आपको इंटरनल स्टोरेज इसमें आपको 256GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी इस मोबाइल में। तो अब बात कर लेते हैं इसके जनरल इन्फॉर्मेशन की। दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन के नाम पर इसमें आपको सुपर फास्ट क्विक चार्जिंग इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी, साथ ही वायरलेस चार्जिंग भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें आपको 2 सिम लगाने का मौका मिल जाएगा, GSM+GSM जो होगी नैनो। और दोस्तों इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों जो इसका कस्टम OS होगा वो होने वाला एंड्रॉयड पाई, जो गूगल का लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है, जो एकदम कमाल की बात है। तो इसमें आपको सारे सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर और कंपास, और भी बहुत सारे सेंसर होते हैं, और भी सारे सेंसर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप बात कर लेते हैं इस फोन के रिलीज डेट और प्राइस की। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। दोस्तों प्राइस इसमें आपको सही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार पॉपअप कैमरा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो भैया प्राइस है इसका 47,990 रुपये इंडियन मार्केट में। तो अगर बात करें रिलीज डेट की, तो दोस्तों रिलीज डेट आपको इसमें नेक्स्ट मंथ देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि मई के महीने में, शायद 14 मई को ये रिलीज़ होने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस फ़ोन की आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपने अब भी अपना फीडबैक नहीं दिया है तो लाइक डिसलाइक करके हमें अपना फीडबैक दें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, टेक के, बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे।